हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रुमैसा फूड प्लाजा। आज हम बना रहे हैं चिकन सीख पुलाव। ये बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाता है, बहुत इंस्टेंट रेसिपी है ये। आप लोग अगर कोई मेहमान आ रहे हैं तो आप इसे फटाफट से बना सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर लिए हमने बासमती चावल 500 ग्राम्स। इसे हम अच्छे से पानी से वॉश करके भिगो देंगे। उसके बाद हमने लिया है 500 ग्राम चिकन। यहाँ पर हमने कुछ मसाले लिए हैं, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ी सी कोतमीर, एक प्याज बड़ी कट करके ली है और थोड़ी सी मिर्ची। इसमें हम सॉल्ट डाल के इसे अच्छे से पीस लेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। उसके बाद हम इसकी सीख बनाएंगे, छोटी छोटी सी हम इसकी सीख बनाएंगे। ये देखिए मम्मी बना रहे हैं आपके सामने। इस तरीके से हम सभी सीख को तैयार कर लेंगे। इसमें आप सॉल्ट ज़रूर डालिए, आप सॉल्ट डालना मत भूलिए। उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पर हम पैन में ऑयल को अच्छे से गरम कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें एक एक करके सीख ऐड करेंगे और इसे दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम सीख ऐड कर लेंगे इसमें, और मीडियम फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है ताकि जो चिकन है वो अच्छे से मतलब कुक हो जाए। उसके बाद जब तक सीख फ्राई हो रही है, हम एक वेसल लेंगे पुलाव का मसाला बनाने के लिए। उसमें हम ऑयल ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून। ये देखिए एक तरफ हमारी सीख भी फ्राई होते जाएगी और हम पुलाव का मसाला भी बना लेंगे। यहाँ पर तेल गर्म होने के बाद इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब। फिर हम इसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड कर लेंगे स्लाइस कट करके, और इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए सीख भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है सारी। प्याज फ्राई होने के बाद हम इसमें 3 to 4 बे लीव्स ऐड करेंगे, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर कुछ मसाले लिए हैं, सॉल्ट, फिर धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर, फिर यहाँ पर पुलाव पाउडर लिया है। ये जो पुलाव मसाला है वो शॉप में मिल जाता है आसानी से। सबको ऐड करके हम मिक्स कर लेंगे, उसको थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें टमाटो ऐड करेंगे, 2 लार्ज साइज़ के टमाटो लिए हैं हमने। हमें टमाटो को अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है, मीडियम फ्लेम पर हम इसे पका लेंगे। उसके बाद हम इसमें चिलीज़ ऐड करेंगे, ग्रीन चिलीज़ हमने यहाँ पर ली है 3 to 4। इसे अच्छे से भून लेंगे मसाले को। उसके बाद हम इसमें सीख ऐड करेंगे। सभी मसाले जब अच्छे से भून जाएंगे उसके बाद हम इसमें सीख ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ओनली 5 मिनट सीख को अच्छे से मिक्स करने के बाद मसालों के साथ सिर्फ हम जो सीख है वो निकाल लेंगे। ये देखिए इसी तरीके से हम सभी सीख जो हमने डाली थी अंदर वो हम निकाल लेंगे। सीख जब निकल जाए उसके बाद हम इसमें अपने राइस ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके पानी ऐड कर लेंगे हम। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा ही डालना है, क्योंकि हमारे जो राइस हैं वो थोड़ी देर के लिए भीग चुके हैं। बस हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट चेक कर लेंगे कि सही है कि नहीं। बस हम इसमें एक बॉईल आने देंगे, ढक देंगे हम। गैस की फ्लेम को हमें हाई रखना है। ये देखिए जब इसमें इतना सा थोड़ा सा पानी बच जाए तब हम इसमें सीख जो हमने निकाली थी वो हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद फिर से हम इसे 5 मिनट्स के लिए ढक देंगे। जब हम 5 मिनट्स बाद इसे खोलेंगे तो ये देखिए इसमें थोड़े थोड़े पानी के बबल्स आ रहे हैं। फिर हम इसमें केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे 1 से 2 ड्रॉप। फिर हम इसे दम होने के लिए रख देंगे 10 to 15 मिनट्स, या 20 मिनट्स भी रख सकते हैं अच्छे से। ये देखिए ये बनकर रेडी हो चुकी है। आप लोग भी प्लीज़ इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत टेस्टी बनती है, खाने में भी बहुत मज़ा आता है। ये देखिए ये रेडी है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग भी ज़रूर ये रेसिपी को ट्राई कीजिए। तब तक लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।